के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमस्कार, मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में पितृदोष निवारण पूजा शिविर का आयोजन हो रहा है। जिनको अश्लेषा, मघा, रेवती, मूल व ज्येष्ठा नक्षत्र हो उनको इस शिविर में अवश्य भाग लेना चाहिए। पूर्वजों का आशीर्वाद लिए बिना कोई भी कार्य सफल नहीं होता। इस पूजन से नजर तंत्र बाधा, शत्रु बाधा, संतान समस्या, विवाहित जीवन में अड़चन, नौकरी व्यापार में बाधा इत्यादि बाधाओं का निवारण कर सकते हैं। अगर इस पूजन में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम दुर्गा आकर्षण बीज मंत्र की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दुर्गा आकर्षण बीज मंत्र के द्वारा हम नवरात्रि के दिनों में या किसी भी मंगलवार से किए जाने वाले पूजा में माता दुर्गा की कृपा कैसे प्राप्त कर सकते हैं। माता दुर्गा के अनेकों स्वरूप होते हैं, इनकी साधना की, पूजा की अनेकों पद्धति मानी जाती है। इनमें से एक पद्धति है दुर्गा आकर्षण बीज मंत्र। दुर्गा आकर्षण बीज मंत्र की बात करें तो ये बहुत ही तेजी से अचूक तरीके से और सरल तरीके से प्रभावी माना जाता है। बहुत से लोग माता की साधना करते हैं, व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, आराधना करते हैं और महीनों करते हैं, वर्षों करते हैं, सालों साल करते आए हैं, लेकिन अपेक्षित परिणाम ठीक ढंग से उनको नहीं मिल पाता। लेकिन मैं ऐसे लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर दुर्गा आकर्षण बीज मंत्र का अगर वो प्रयोग करते हैं तो उनको अपने जीवन में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दुर्गा आकर्षण बीज मंत्र के प्रयोग से बहुत लाभ मिलता है, जैसे कि आपकी विवाहित जीवन में अड़चने आ रही हैं, विवाह होने में बाधाएं आ रही हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है, तो दुर्गा आकर्षण बीज मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। विवाह हो चुका है, विवाहित जीवन में तनाव है, विवाद है, बात तलाक तक पहुंची है, तो दुर्गा आकर्षण बीज मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। शत्रु अलग अलग रूप के होते हैं, कुछ लोग सामने से शत्रु बनते हैं, कुछ लोग पीठ पीछे से शत्रु बनते हैं, तब आपको दुर्गा आकर्षण बीज मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। बीमारियां हमारी आर्थिक स्थिति को डावाडोल कर देती है, नुकसान पहुंचाती है। घर में कभी आप बीमार हों, कभी आपके परिवार में कोई सदस्य बीमार हो, एक ठीक होता है तो दूसरा बीमार होता है। अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो कितना भी धन आपके पास आ रहा हो वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाता है। ऊपर से क्लेश पैदा हो जाता है, पारिवारिक तनाव पैदा हो जाता है। इसके अलावा व्यापार में ठीक ढंग से तरक्की नहीं हो पा रही है, अचानक व्यापार चलते चलते रुक रहा है, किसी न किसी तरीके से रुकावटें आ रही हैं, पहले की तरह उन्नति नहीं हो पा रही है, तब आपको दुर्गा आकर्षण बीज मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। नौकरी आप कर रहे हैं, नौकरी में आपके अधिकारी से नहीं बन रही है, आपके बॉस से नहीं बन रही है, आपके जो साथी हैं उनसे आपकी नहीं बन रही है, आपकी पदोन्नति में कोई ना कोई बाधा बन रहा है, तो दुर्गा आकर्षण बीज मंत्र का प्रयोग करना चाहिए। ये दुर्गा आकर्षण बीज मंत्र आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करता है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करता है। सवाल है कि कितने डेडिकेशन के साथ आप इनकी साधना करते हैं, कितनी डेडिकेशन के साथ, कितनी श्रद्धा के साथ इनकी उपासना करते हैं। आइए जानते हैं इनका अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाएं। उसके बाद इसी तरह की ये मुद्रा बनाएं जिसको सुप्री मुद्रा कहते हैं। ये मुद्रा बनाने के बाद दोनों आंखों के बीच में ऐसे पिंच करें और पिंच करके गहरी सांस लें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर गहरी सांस लें। इस तरीके से 10 बार ये प्रयोग करें। ये प्रयोग करने के बाद अपने सामने माता दुर्गा की तस्वीर रखें या मूर्ति रखें। मूर्ति 5 इंच के ऊपर नहीं होनी चाहिए। एक लाल कपड़ा बिछा लें, उसके ऊपर माता दुर्गा की तस्वीर रखें या मूर्ति रखें, पर ध्यान रखें मूर्ति 5 इंच के ऊपर नहीं होनी चाहिए। और कोई नियम नहीं है, बस माता के चरणों में देखते हुए, ध्यान देते हुए दुर्गा आकर्षण बीज मंत्र दुम दुर्गाए क्लीम वौसठ
दुम दुर्गाय क्लीम वौसठ, दुम दुर्गाय क्लीम वौसठ। मैं एक बार फिर से इस मंत्र को रिपीट करता हूँ, दुम दुर्गाय क्लीम वौसठ, 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 दुम दुर्गाय क्लीम वौसठ। ये बीच मंत्र का आप नियमित रूप से जाप करें, आधा घंटा 9 दिन, याद रखें आधा घंटा रोज 9 दिन तक इस मंत्र का जाप करें। किसी भी मंगलवार से 9 दिन का ये अभ्यास कर सकते हैं या किसी भी नवरात्रि से 9 दिन का ये अभ्यास कर सकते हैं। याद रखें अभ्यास करने का समय सूरज अस्त होने के बाद, सूर्यास्त के बाद ये अभ्यास करने का समय माना जाता है। अगर आप माला से मंत्र का जाप करते हैं तो रुद्राक्ष माला को छोड़कर किसी भी माला से 11 माला 9 दिन तक मंत्र का जाप करना है। 10वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर सकते हैं, या 9वें दिन जैसे ही आपका मंत्र समाप्त होता है उसके बाद भी किसी को भोजन दान कर सकते हैं। सिर्फ 9 दिन का प्रयोग माना जाता है माता दुर्गा का। अगर ये प्रयोग नवरात्रि में करते हैं, किसी भी नवरात्रि में करते हैं, आपको आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देंगे। और अगर आप किसी कारण से नवरात्रि का समय आपके पास नहीं है या मिस हो गया है तो आप किसी भी मंगलवार से इनकी साधना 9 दिन के लिए आप कर सकते हैं। आधा घंटा 9 दिन तक सिर्फ ये मंत्र का जाप करना है, ये मुद्रा लगा के। अगर माला से मंत्र का जाप करेंगे तो एक हाथ से मुद्रा लगाएं, एक हाथ से माला से जप करें। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपकी सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं हैं वो जैसे ऐसा लगता है कि सब अपने आप पूरी होती चली जा रही हैं, या एक पॉजिटिव फीलिंग का एहसास होगा कि सब कुछ अच्छा हो रहा है। जैसे कोई दुख, कोई क्लेश, कोई विवाद, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो पहले जैसा दबाव नहीं है आपके ऊपर, ऐसा आपको महसूस होगा। आपकी जो इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति की तरफ आपको एक रोशनी नजर आएगी, ऐसा आपको महसूस होगा। आप जानते हैं इस साधना के कुछ नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृह सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। महिलाओं को सम्मान दें। पति पत्नी अगर इस मंत्र का अभ्यास करें तो 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं, या आप विद्यार्थी हैं, गृहिणी हैं, तो इस मंत्र को पूरी दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप व्यापार कर रहे हैं या कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र, होटल के व्यवसाय के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके जपें। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, कोयला, लोहा, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में हैं, या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपको ब्रोकरेज देना पड़े या लेना पड़े, यानी दलाली लेनी पड़े या देनी पड़े, तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपें। इस मंत्र का जप 18 वर्ष के ऊपर कोई भी स्त्री पुरुष कर सकता है। याद रखें जब भी आप कोई अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं या संकल्प करते हैं तुरंत कोई न कोई अड़चने आनी शुरू हो जाती है, इसलिए प्रबल संकल्प के साथ अभ्यास करें। इस मंत्र का जप सूर्यास्त के बाद करें तो लाभ ज्यादा मिलेगा। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन, मांसाहार से बचें। ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। मासिक धर्म की समस्या में महिलाएं 3 से 5 दिन का गैप करके फिर आगे कंटिन्यू कर सकती हैं। इस अभ्यास को किसी भी शांत कमरे में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विन या वज्रुली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रुली मुद्रा क्या है यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।